चिमूर तहसील के पलस गांव में बाघिन के हमले में दो लोग घायल हुए। गांव में बाघों का संचार होने से लोगों में दहशत है। ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के चिमूर तहसील अंतर्गत पलस गांव तालाब के पास सदाशिव वार्लू मोहरले की गौशाला में बांधे मवेशी का मंगलवार की रात बाघों ने शिकार किया। बुधवार की सुबह पास की झाड़ियों में बाघिन अपने दो शावकों के साथ बैठी थी। सुबह के समय रमेश तुलसीराम मेशराम तालाब की ओर जा रहा था, तब उसे बाघ दिखाई दिए। उसने तत्काल इसकी जानकारी ग्रामीणों तथा वन विभाग को दी। तालाब के पास तीन बाघ होने की सूचना मिलते ही पलस गांव के लोग बाघों को देखने उमड़ पड़े। साथ ही वन विभाग की टीम को सूचना मिलने पर रैपिड रिस्पांस यूनिट की टीम मौके पर पहुंच गई। भीड़ को नियंत्रित करने में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दौरान बाघ ने 60 वर्षीय चरणदास शंकर बंसोड़ और 31 वर्षीय वन रक्षक सुनील वेंकटराव गजलवार पर हमला किया, जिसमें दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को चिमूर उपजिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां प्रथम उपचार करने के बाद दोनों को जिला सरकारी अस्पताल चंद्रपुर में भेजा गया। वन रक्षक की हालत गंभीर होने से उसका उपचार चल रहा है, वहीं चरणदास को डिस्चार्ज दे दिया गया है। तीनों बाघ अब भी वहीं झाड़ियों में दुबके हो सकते हैं, इसलिए वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को उस ओर जाने से मना किया है। वन विभाग की टीम बाघों पर नजर बनाए है। बाघिन और दो शावकों को जंगल की दिशा की ओर भगाने के लिए नियोजन व कार्रवाई वन परिक्षेत्र अधिकारी पलस गांव, सहायक वन संरक्षक, उप संचालक व क्षेत्र संचालक की ओर से की जा रही है।